बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शगुफ्ता नदीम है, मैं एक क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 333 स्टीरिया रही है। हमारे स्कूल का ईमेल स्कोर 3223035 है। आज का टॉपिक डिस्टिलेशन है। हम नल का साफ पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खालिस नहीं होता। इसमें कुछ बैक्टीरिया और नमकियात रह सकती हैं, इसलिए हम पानी से साफ अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का अमल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में पानी को भाप में तब्दील करने के लिए गर्म किया जा सकता है और फिर भाप को ठंडा करके डिस्टिलेशन शुद्ध पानी हासिल किया जा सकता है। ना खालिस पानी एक बंद बर्तन या फ्लास्क में उबाला जाता है। खोलते हुए पानी की सतह से आबी बुखार नाली से होते हुए कंडेंसर से गुजरते हैं और कंडेंसर वो ट्यूब है जिसके बाहर एक बड़ी ट्यूब होती है जिसमें से आबी बुखारात को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी गुजारा जाता है। इस ट्यूब से जिसमें से कंडेंसर से गुजरते हुए हरारत खारिज करते हैं और माया पानी में तब्दील हो जाते हैं। डिस्टिलेशन शुद्धा पानी को एक अलग बर्तन या बैकर में इकट्ठा कर लिया जाता है और ठोस के साफ फ्लास्क के पैदे में ही रह जाती है। एक सिलेंडर लिया है, देश्टी में पानी डाल लिया है जिसको हम गर्म करेंगे और पानी गर्म होने की सूरत में ये भाप की सूरत इख्तियार कर लेगा। ये भाप कंडेंसेशन के अमल से कतरों की सूरत में तब्दील होगी और ये कतरे इकट्ठे करने से हमें साफ पानी हासिल होगा।